दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की आतिशी पारी के आगे उड़ा बांग्लादेश का खेमा। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर भारतीय टीम को दिलाई शानदार जीत। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी पारी के दम पर मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसके सामने बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम चकनाचूर हो गया। तो आखिरकार कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को इस मैच में जीत दिलाई, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक रोमांचक T20 मैच खेला गया जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच बांग्लादेश की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए लिटन दास और तंजीद हसन मैदान पर आए, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए जिन्होंने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए तंजीद हसन को पहले ही ओवर में बिना खाता खोले विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नजमुल संतो मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच पावर प्ले में 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने बना दिए और उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे लिटन दास ने 8 ओवर में अपने अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं अगले ओवर में कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दोनों अब अर्धशतक लगाने के बाद में और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करने लगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने शतक के करीब पहुंचने का कार्य किया, परंतु इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल ने लिटन दास को शतक लगाने से रोक दिया और 14 ओवर में 85 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद हिरदौए आए। तो वहीं दूसरी तरफ से नजमुल शांतो को भी 15 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव ने विकेटकीपर के हाथों 83 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े पांड्या के हाथों कैच आउट कराया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए शाकिबुल हसन आए जिन्होंने तौहीद के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक तेजी से रन बनाए, लेकिन इस बीच 19 ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तौहीद हिरदौए को 25 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने 28 रन के स्कोर पर शाकिबुल हसन को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर के अंदर 242 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दी। इस दौरान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या पांचों को 1-1 विकेट मिला। ऐसे में 243 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर आई, जहां पर अब भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए जिन्होंने भारतीय टीम को तेजी से शुरुआत देने का कार्य शुरू के 3 ओवर में कर दिया। इस दौरान 4थे ओवर में शुभमन गिल को मेहंदी हसन ने बाहर जाती हुई गेंद पर 22 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों में कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा को बुलाया गया जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करने का कार्य किया। इस बीच दोनों बल्लेबाज तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा को 24 रन के स्कोर पर गेंदबाज हसन महमूद ने LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और इसी के साथ पावर प्ले के अंत तक 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिया। हालांकि जब पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने का प्रयास किया तो यशस्वी जायसवाल, जो शुरू से आज दबाव में खेल रहे थे, उन्होंने शाकिबुल हसन के सामने 1 ही ओवर में 5 चौके लगाते हुए अपने ऊपर से दबाव हटाया और अर्धशतक के करीब पहुंचे। हालांकि दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन इस बीच 11 ओवर में फिर से यशस्वी जायसवाल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद ने 12 ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया और यशस्वी जायसवाल को 54 रन के स्कोर पर कॉटन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए जिन्होंने काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित
साबित कर दिया। इस बीच तस्कीन अहमद ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए 14 ओवर में ऋषभ पंत को 8 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, जिन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 14 ओवर के अंदर 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इस बीच बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन के सामने लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए रन रेट को मजबूत कर लिया। तो वहीं अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि 4 ओवर में जीत दर्ज करने के लिए 70 रन की जरूरत थी। इस दौरान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बीच मैच तब जाकर और भी ज्यादा रोमांचक हो गया जब जीत के लिए 2 ओवर में 28 रन की जरूरत थी। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हसन मोहम्मद के सामने हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोरने के बाद 28 रन के स्कोर पर अपना विकेट LBW आउट होकर दे दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा दबाव सूर्य कुमार यादव पर आ गया, क्योंकि अंतिम ओवर में जीत के लिए भारतीय टीम को अभी भी 17 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद के सामने कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए और भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब ले जाने का कार्य किया, लेकिन इस बीच अब तीसरी और चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मात्र 2 रन लिए। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर 3 रन की आवश्यकता पड़ी तो सूर्य कुमार यादव ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ छक्का लगाया और 105 रन की पारी खेलने के साथ ही भारतीय टीम को इस अभ्यास मैच में जीत दिलाना, जिसको देखकर अब भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय टीम से T20 सीरीज के अंदर करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों बीच मैदान में गुस्से में कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को गाली देते हुए कर दी उनकी जमकर बेइज्जती। कह दिया कुछ ऐसा सुनकर तो ऋषभ से लेकर कोहली गंभीर के भी उड़ गए होश। आग की तरह वायरल हो गया रोहित का वो बदनामी वाला वीडियो। तो आखिर क्यों रोहित शर्मा अचानक से ऋषभ पंत पर ही भड़क गए? ऐसी कौन सी हरकत कर दी ऋषभ पंत ने कि उन्हें कप्तान से गाली तक खानी पड़ गई? उस मजेदार लम्हे उस वीडियो को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 634 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और अपने कमबैक मैच में धमाल मचा दिया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट खेला, जहां पर बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों से ही कमाल करते नजर आए। इसी बीच एक घटना ऐसी भी घटी जब पंत ने कैप्टन रोहित शर्मा से रिव्यू लेने की गुहार लगाई, लेकिन इस दौरान उन्हें कैप्टन का साथ नहीं मिला और उन्होंने गाली देकर पंत की बेइज्जती भी की। जी हां, ऐसे ही हुआ। यह घटना बांग्लादेश की दूसरी इनिंग के दौरान घटी। मैदान पर हसन महमूद बैटिंग कर रहे थे और इस दौरान रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करने आए थे। अश्विन ने 62वें ओवर की तीसरी बॉल पर महमूद को फंसा लिया था। ये बॉल बांग्लादेशी खिलाड़ी के ग्लव से टकराकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी, जिसके बाद ऋषभ पंत ने रोहित को रिव्यू लेने को कहा। यहाँ पर रोहित ने पंत की बात नहीं मानी, उन्होंने अपने विकेटकीपर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाया और गाली देते हुए ये तक कहा कि अगर तू ऐसे बोलेगा तो सच वाला रिव्यू रहेगा, वो भी नहीं ले पाऊंगा मैं। आखिर में टीम इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन जब बिग स्क्रीन पर घटना का रिप्ले देखा गया तो साफ हो गया है ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक थे। अगर रोहित वो रिव्यू लेते तो बांग्लादेश का बल्लेबाज आउट हो जाता, यही वजह है कि पंत हीरो बन गए और रोहित को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। हालांकि इसका मुकाबले पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने महमूद को पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने तो ऋषभ पंत को गाली देकर जो किया वो बहुत से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि करोड़ों फैंस तो रोहित के इसी अंदाज पर फिदा हैं, यहां तक कि रोहित से गाली खाने के बाद भी ऋषभ पंत हंसते मुस्कुराते नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित ऐसे ही है, वो कभी भी सीरियस नहीं होते और ये सिर्फ उन्होंने मजाक में कहा था। लेकिन दोस्तों रोहित को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, इस मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कानपुर के मैदान पर टीम इंडिया सिखाएगी बांग्लादेश को सबक। शुरू हो चुका है धांसू दूसरा टेस्ट मैच। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर चुन लिए पहले बल्लेबाजी और मैदान में उतरकर बचा दिया गौरा। तो आखिरकार भारत के 2 धुरंधरों यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर स्कोर को कैसे पहुंचा दिया 300 रन के पार? कौन सा बल्लेबाज आज पहुंच गया शतक के करीब? कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाकर खेल रहा है? यहाँ सब कुछ हम आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में कितने धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया ने जीत का आगाज किया है।
चेन्नई के मैदान पर भारतीय टीम ने घमंड को चूर घमंड में चूर बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर न सिर्फ पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया बल्कि बांग्लादेश को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड भी हासिल भारतीय टीम ने कर लिया, जिसके बाद अब ये कारवां चेन्नई के कानपुर जा पहुंचा है और वहां पर जल्द दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अब ये टेस्ट मैच और भी रोमांचक हो चुका है, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब नजमुल हुसैन शांटो जो कि बांग्लादेश के कप्तान है उन्होंने ये तक कह डाला कि भारत को इस बार टेस्ट सीरीज में हम जीतने नहीं देंगे। भारत ने